क्या आप सोच सकते हैं अर्थ सन के 2 मीटर करीब हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे हमारी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे? क्या हमारा प्लैनेट नष्ट हो जाएगा? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ सन से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी बड़ी है कि अगर आप एक कार से जाना चाहें तो आपको 170 साल लगेंगे। इस दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU कहते हैं। अब सोचिए, अर्थ अपने ऑर्बिट से 2 मीटर आगे बढ़ जाए। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी दूरी है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ये छोटी दूरी भी बहुत बड़ा असर डाल सकती है। हमारे प्लैनेट का ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि एक एलिप्स है। इसका मतलब है कि अर्थ कभी सन से थोड़ा ज्यादा दूर होती है तो कभी थोड़ा ज्यादा पास। ये दूरी का वेरिएशन अर्थ के सीजन्स को अफेक्ट करता है। अगर अर्थ अपने ऑर्बिट से 2 मीटर आगे बढ़ जाए तो अर्थ का ऑर्बिट चेंज होकर थोड़ा और एलिप्टिकल हो जाएगा, जिससे अर्थ की सन से एवरेज डिस्टेंस कम हो जाएगी। अब आप सोचेंगे, इससे क्या होगा? इससे पृथ्वी की स्पीड बढ़ जाएगी। अर्थ अब सन के चारों ओर जल्दी घूमेगी, जिससे यहाँ का एक दिन और एक साल दोनों छोटे हो जाएंगे। अर्थ का एक दिन 24 घंटे से 23 घंटे 59 मिनट और 59.99 सेकंड हो जाएगा, और एक साल 365 दिन से 364 दिन और 23 घंटे हो जाएगा। देखने में ये बस कुछ सेकंड्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से हमारा कैलेंडर और क्लॉक दोनों सिंक से बाहर हो जाएंगे। हमारे सीजन्स भी चेंज हो जाएंगे। अर्थ की स्पीड बढ़ने से अर्थ की एक्सियल टिल्ट भी चेंज हो सकती है, जो कि सीजन्स को अफेक्ट करती है। अगर ये टिल्ट ज्यादा हो गई तो हमारे समर्स और विंटर्स दोनों एक्सट्रीम हो जाएंगे। सिर्फ 2 मीटर पास जाने से गर्मी भी ज्यादा होगी। अर्थ पर एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये टेम्परेचर चेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे क्लाइमेट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्लैनेट पर ज्यादा गर्मी से ग्लेशियर्स और आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगे। सी लेवल राइज करेगा। कोस्टल एरियाज और लो लाइंग आइलैंड्स डूब जाएंगे। बाढ़, अकाल, तूफान, जंगल की आग और हीट वेव्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आम हो जाएंगे। ओजोन लेयर भी डैमेज हो सकती है। ओजोन लेयर अर्थ को सन की हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाए तो यूवी रेज सरफेस पर ज्यादा पहुंचेंगी। इससे स्किन कैंसर, आईज और इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं। इकोसिस्टम भी अफेक्ट होगा। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इससे फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी। अर्थ पर ज्यादा गर्मी होने से एनिमल्स भी सफर करेंगे। कुछ एनिमल्स अडेप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कॉरल रीफ्स, पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स और पैंडास जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज का सर्वाइव करना मुश्किल होगा। हमें भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, ज्यादा सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी और एसी में ही रहना पड़ेगा। हमें नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी, जिससे हम क्लाइमेट चेंज से कोप अप कर सकें। घबराइए नहीं, अर्थ अभी अपनी जगह पर ही है और अगले कई सालों तक वहीं रहेगी। पर क्या पता सन ही टूट के खत्म हो जाए। खैर, ये अलग टॉपिक हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक तारों को देखते रहिए। कौन जाने कब क्या दिख जाए।